Part 100 questions we are coming. So, you uh, if you see the ID question ID number, so yesterday already I had discussed from question number ID 51 to 75, okay, and today I will discuss question ID 76 to 100, right? So, question number 26 to 50. So, my friends, please subscribe my channel. Like my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. And if you need PDF in different parts, and already the videos have uploaded, so the PDF of these videos, what I have uploaded, the PDF of these videos uh, you can get. बाई दिस वाट्सअप नंबर एट थ्री टू सेवन सेवन एइट टू जीरो थ्री फोर यू कॉन्टेक्ट विथ मी एंड ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल लिंक इज देयर टी डॉट एम ई स्लास बी ए पी आई टू जीरो थ्री फोर सो दू कैन गेट अपू डेट ओके फॉर माइ वीडियो सो नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एन एम्प्लॉय इज अपेड टू अनदर पोस्ट इन गवर्नमेंट एक्सेप्टेक्निकल रेजिग्नेशन लेटर ऑन हिरी जॉइंस पोस्ट द पीरियड स्पेंट इन दर डिपार्टमेंट विच हिजॉइ आफ्टर सब रेजिग्नेशन साल फोर ऑप्शन तो इसमें क्या है जैसे आप हायर पोस्ट में ज्वाइन किए ओके आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर डिपार्टमेंट में आप हायर पोस्ट में ज्वाइन किए तो यह भी रूल है कि 90 डेज के अंदर फिर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन को विथड्रॉ कर सकते हो गवर्नमेंट रूल है कि 90 डेज के अंदर ओके कैसे काउंट करेंगे ना जिस डेट में आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जा रहे हो उसी से काउंट कर लो 90 डेज के अंदर आप रिटर्न आ सकते हो तो भाई क्वेश्चन पूछा है कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप अदर डिपार्टमेंट में चले गए ऑलरेडी टू टेक्निकल गॉन अदर डिपार्टमेंट देन अगेन यू रिटर्न बैक टू योर अर्लियर पोस्ट तो उसमें जो फोर ऑप्शन है रिलेटेड टू द प्रमोशन एंड क्वालिफाइंग सर्विस फोर ऑप्शन गिवेन काउंट टच क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन एज वेल एज सीनियरिटी इन द अर्लियर पोस्ट काउंट वॉज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन बट नॉट फॉर सीनियरिटी इन द अर्लियर पोस्ट नाइदर काउंट टच क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन नॉट फॉर सीनियरिटी इन द अर्लियर पोस्ट not count as qualifying service for promotion but will count for seniority in the earlier post यदि आप आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप earlier पोस्ट में आ गए तो आपको याद रखना है कि जो पीरियड आप स्पेंड किया अदर डिपार्टमेंट में वो प्रमोशन के लिए वो क्वालीफाइंग सर्विस नहीं होगा प्रमोशन के लिए क्वालीफाइंग सर्विस नहीं होगा मगर आपका सीनियरिटी लूज नहीं होगा ठीक है तो आंसर बी आंसर जो है ऑप्शन फोर हो जाएगा राइट right? जो पीरियड आप स्पेंड किया जो अदर डिपार्टमेंट में वो पीरियड प्रमोशन के लिए वो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होगा तो प्रमोशन के लिए वो काउंट नहीं होगा मगर सीनियरिटी के लिए काउंट होगा तो ऑप्शन फोर राइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हुई ऑफ द फॉलोइंग आर कॉरेक्ट राइट थ्री ऑप्शन स्टेटमेंट वन ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट ट्रीटेड एज ड्यूटी हम जानते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम तो ड्यूटी है टाइम को हम ड्यूटी मानेंगे तो ये गलत हो गया नहीं कि ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट ट्रीटेड एज ये गलत हो गया ज्वाइनिंग टाइम विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट ये करेक्ट है जो ज्वाइनिंग टाइम है वो इंक्रीमेंट के लिए वो काउंट होगा करेक्ट है द ज्वाइनिंग टाइम पे विल नॉट चेंज इवन इफ एन इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ज्वाइनिंग टाइम के अंदर यदिट तो आपको नहीं मिलेगा जब आपको रिलीव कर दिया गया तो वहां पर आपका जो बेसिक पे था ज्वाइनिंग टाइम पीरियड में वही बेसिक पे रहेगा तो जब आप न्यू डिपार्टमेंट में जाकर न्यू प्लेस में जाकर न्यू हेडक्वार्टर में जाकर ज्वाइन करोगे तब तो आपका इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ठीक है तो ज्वाइनिंग टाइम में इंक्रीमेंट फॉल होता है तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो दोनों करेक्ट है ये क्लियरली दे दिया तो आपका जो यहां पर ऑप्शन option, चार ऑप्शन दिया है ओके स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट वन तो ऑप्शन टू इज द आंसर राइट चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट

सेकेंड स्टेटमेंट रिड्यूस बाय वन एटीन ऑफ पीरियड ऑफ सच लिव सब्जेक्ट टू डेज़ इन सो फार हाफ अकाउंट इज स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन क्या पूछा है तो जो दोनों स्टेटमेंट दिया है उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इज और आर करेक्ट तो मैं बता देता हूं जैसे जनवरी वन टू जून थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं तो एवरी बेसिकली नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट एवरी सिक्स मंथ में फिफ्टीन ईयर क्रेडिट होता है फिफ्टीन ईयर क्रेडिट होता है तो जनवरी वन टू जून थर्टी राइट तो इस पीरियड में सपोज आप ईओ एल ईओ आप थर्टी डेज ईओ एल आप ले लिया तो आपका कितना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में क्या होता है ना आपको पे ओके okay, आपको सैलरी नहीं मिलेगा तो आपका जो जुलाई वन में कितना ईएल क्रेडिट होगा तो इसमें जो ईओएल आप लिया ना थर्टी डेज उसका वन टेंथ जो जुलाई वन में आपको कितना मिलना चाहिए जुलाई वन में आपको फिफ्टीन ईयल एडवांस क्रेडिट होता है तो जैसे प्रीवियस में आप हाफी डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया तो उसका वन टेंथ डेट ऑफ हो जाएगा तो जो जुलाई वन में फिफ्टीन डेज ईयल मिलना था वो नहीं मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा तो वन टेंथ ऑफ थर्टी कितना हो गया थ्री हो गया तो आपको बारह ई मिलेगा बारह ई क्रेडिट होगा समझ में आ गया तो प्रीवियस हाफ ईयर में आप कितना EOL ले रहे हो उसका वन टेंट हो जाएगा जो जुलाई सपोज मेरा एग्जाम्पल में जो जुलाई वन में आपको फिफ्टीन ई आपका क्रेडिट होना था फिफ्टीन ई क्रेडिट नहीं होगा तो वन टेंथ ऑफ थर्टी डेज इट इज थ्री हो गया ना तो फिफ्टीन से थ्री को माइनस करो तो ट्वेल्व तो ई क्रेडिट होगा समझ में आ गया ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो सेकंड स्टेटमेंट दिया है 118 एक्चुअली क्या है रूल है यदि यहां पर ईओएल के ऊपर पूछा है यदि आप एचपीएल uh, जो है एडवांस कितना एचपीएल क्रेडिट होता है हाफ पे लीव इट इज 10 एचपीएल जनवरी वन में जुलाई वन में 10 10 है कि जनवरी वन में 10 एचपीएल क्रेडिट होता है और जुलाई वन में 10 एचपीएल क्रेडिट होता है जैसे आप वैसा ही जनवरी वन टू सेम एग्जाम्पल जून थर्टी के अंदर आप थर्टी डेज थर्टी डेज ईओ एल आप ले गए तो क्या जो जुलाई वन में टेन एचपीएल क्रेडिट होने वाला था क्या उसमें कुछ अफेक्ट होगा कोई अफेक्ट नहीं होगा ईओ एल में अफेक्ट नहीं होगा आपका एचपीएल में अफेक्ट नहीं होगा आज यूज टेन एचपीएल क्रेडिट होगा मगर आपको याद रखना है यदि केस ऑफ डायजनॉन ऑनऑथराइज लीव आप लेते हो तो डायसॉन ऑनऑथराइज लीव ठीक है ऑनऑथराइज लीव जैसे आप सपोज बेसिकली स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए कि आप कोई हड़ताल में इन्वॉल्व हो गए कि लीव अथॉरिटी का आप परमिशन नहीं लिए तो ये डाइज डायजनॉन हो गया मीन्स आपका वन एटींथ क्या सपोज डाइज डायजनॉन में सपोज इन माई एग्जाम्पल आप जनवरी वन टू जून थर्टी के अंदर थर्टी सिक्स डेज आपका डाइज डायजनॉन हो गया अनऑथराइज लीव हो गया ठीक है तो उस, उसका वन एटींथ कितना है वन एटींथ टू डेज होगा तो जो जुलाई वन में आपको टेन एचपीएल मिलना चाहिए वहां पर नहीं मिलेगा कितना एचपीएल मिलेगा एट एचपीएल क्रेडिट होगा मगर यहां पर तो ये करेक्ट है मगर ये करेक्ट नहीं है क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहे हो तो आपका एचपीएल में कोई अफेक्ट एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा कब एडवर्स इफेक्ट होता है जो वन एटीन एचपीएल बेसिकली वन एटीन थोट वन एटीन थ्राडिनरी वन एटीन कैन बी डिडक्टेड ओके कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द जो एडवांस ऑफ एचपीएल बी क्रेडिटेड ऑन जुलाई वन समझ में आ गया तो ये करेक्ट नहीं, नहीं है जो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो वो पूछा है करेक्ट है तो यहां पर फास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर यहां पर ऑप्शन वन आंसर है ठीक है ऑप्शन वन आंसर है मिट्टिक लगा दिया राइट right? चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन को चलेंगे नाइन में टू स्टेटमेंट्स गिवन करेक्ट हम देखेंगे ज्वाइनिंग टाइम इज फॉलोड बाई हॉलीडेज द हॉलीडेज विल बी दॉलीडेजिक्स टू द द्वाइनिंग टाइम ये करेक्ट है जैसे ज्वाइनिंग uh, टाइम आपका सट्टर डे में खत्म होता है नेक्स्ट संडे है।, है तो यहां पर संडे सफिक्स हो जाएगा आपको ज्वाइन करना है मंडे में समझ में आ गया तो सफिक्स होगा जैसे आइदर संडे है कि यानी पब्लिक हॉलीडे है सपोज आज आपका ज्वाइनिंग टाइम खत्म हुआ कल कोई पब्लिक हॉलीडे है वो सब फिक्स हो जाएगा ओके okay. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट हो यार रिलीविंग ऑर्डर इज फॉलोड बाई हॉलीडेज द जॉइनिंग टाइम ज्वाइनिंग टाइम के साथ प्रीफिक्स नहीं होगा प्रीफिक्स कैसे सपोज आज आप रिलीव हो गए आफ्टरनून में ओके सटरडे ओके सटरडे आफ्टरनून में आप रिलीव हो गए तो नेक्स्ट संडे है तो संडे को हम प्रीफिक्स नहीं कर सकते वन साफ रिलीव हो गए मीन्स आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया समझ में आ रहे आज आफ्टरनून में आप रिलीव हो गए मीन्स नेक्स्ट जो संडे है संडे प्रीफिक्स नहीं हो सकता ज्वाइनिंग टाइम रिलीव हो गए मीन्स वो आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया तो जो संडे है वो भी उसमें इंक्लूड होगा तो आपको याद रखना है सफिक्स होगा पब्लिक हॉलीडे और संडे वो सफिक्स होगा मगर प्रीफिक्स टाइम के साथ प्रीफिक्स नहीं होगा ओके okay, तो यहां पर करेक्ट पूछा है तो फास्ट ऑप्शन फास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है फास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहां पर फोर ऑप्शन गिवेन फोर ऑप्शन गिवेन मीन ऑप्शन वन इज करेक्ट वन ऑप्शन वन इज करेक्ट वन राइट समझ में आ गया चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टी डेपुटेशन अलोयंस के ऊपर पूछा है आपको बता देता हूं विद इन सेम स्टेशन आप डेपुटेशन में जाते हो तो आपका जो डेपुटेशन अलोयंस होगा फाइव परसेंट ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम होगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह सेम स्टेशन में यह सेम स्टेशन समझ में आ रहा है यदि सेम स्टेशन में आप डेपुटेशन में जा रहे हो तब आपका जो डेपुटेशन अलोएंस होगा फाइव परसेंट ऑफ बेसिक पे होगा और मैक्सिमम फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड होगा मगर यहां पर दिया है आउट ऑफ स्टेशन तो आउट ऑफ स्टेशन में आउट ऑफ स्टेशन में क्या होगा ना टेन परसेंट ऑफ बेसिक पे जो डेपुटेशन अलोएंस और मैक्सिमम होगा नाइन थाउजेंड राइट तो यहां पर फोर ऑप्शन गिवेन तो ऑप्शन इज करेक्ट वन राइट आउट ऑफ स्टेशन टेन परसेंट ऑफ बेसिक पे मैक्सिमम नाइन थाउजेंड और विद इन सेम स्टेशन ओके इन डेपुटेशन इफ यू गो टू अदर डिपार्टमेंट एनी अदर एक्सडोर पोस्ट तो इस केस में फाइव परसेंट ऑफ बेसिक पे मैक्सिमम फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड समझ में आ गया चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन

ऑफिसर है उनका पावर को वो भी हैंड ओवर कर सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट चाहेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है वो करेक्ट पूछा है तो फोर ऑप्शंस गिवन सो ऑप्शन थ्री इज द आंसर बोथ करेक्ट राइट तो आंसर इज ऑप्शन थ्री चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू को चलेंगे ट है यूनियन करेक्ट है स्टेटमेंट टू कैबिनेट ऑल्सो फंक्शन थ्रू द नंबर ऑफ कैबिनेट कमिटीज ये भी करेक्ट है दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट है ओके कैबिनेट मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट एंड कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉलिसीज ऑफ द यूनियन एंड कैबिनेट नॉर्मली फंक्शन थ्रू द कैबिनेट कमिटीज बोथ आर करेक्ट वन सो फोर ऑप्शन गिवेन ऑप्शन फोर ओके ऑप्शन फोर इस करेक्ट वन राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आर करेक्ट अगेन आपको टू स्टेटमेंट गिवेन करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है फर्स्ट स्टेटमेंट क्लासिफाइड डाक इज अ डाक ड्यूरिंग सिक्योरिटी ग्रेडिंग जो क्लासिफाइड डाक है वो ग्रेडेशन होता है जो डाक में जो लेटर्स आता है उसका ग्रेडेशन होता है कि ग्रेड ए ग्रेड बी हाईली सेंसिटिव सपोज लेटर इट इज ग्रेड ए लाइक दिस तो सिक्योरिटी ग्रेडिंग होता है ठीक है बहुत इमरजेंसी लेटर है वो उसका ग्रेडेशन के हिसाब से आता है ग्रेड ए ग्रेड बी लाइक दिस तो ये ये जो है करेक्ट है क्लासिफाइड डाक इज अ डाक बियरिंग सिक्योरिटी ग्रेडिंग नेक्स्ट वन डाक में इंक्लूड ई मेल्स ऑल्सो ई मेल्स को भी ई e मेल्स में कोई मैसेज फैसेज आता है वो भी डाक में इंक्लूड होगा ओके बोथ आर करेक्ट वन तो फोर ऑप्शन गिवन ऑप्शन थ्री इज करेक्ट आंसर बोथ सॉरी सॉरी ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर क्योंकि बोथ आर करेक्ट वन ओके क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैच्यूटरी बॉडीज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैच्यूटरी बॉडीज किसको बोलेंगे बेसिकली पार्लियामेंट uh, में एक एक्ट पास होता है समझ में आ रहा है पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है और स्टैच्यूटरी बॉडीज हैविंग लीगल पावर्स स्टैच्यूटरी बॉडीज हैविंग लीगल पावर्स तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी टिक लग रहा हूं क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडीज को डिटेक्ट करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट एक्चुअली लॉ एनेक्टेड इन द पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू कंट्रोल करप्शन बेसिकली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राइट तो ये करेक्ट है नेक्स्ट वन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भी एक स्टैचूटरी बड़ी है टू थाउजेंड टेन में टू थाउजेंड टेन एक एक्ट आया था NGT एक्ट पास इन द पार्लियामेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आप देख लीजिए सेक्शन थ्री क्लियर उसमें मेंशन है कि स्टैचुटरी बॉडी है उसका लीगल पावर है ओके रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज राइट तो मैं अभी बताया जो स्टैच्यूटरी बॉडीज लीगल पावर्स एंड स्पेशियली स्टैचूटरी बॉडीज एक्चुअली एक्ट पासन द पार्लियामेंट ओके बहुत स्टैचुटरी बॉडीज है नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे नीति आयोग यह स्टेच्यूटरी बॉडी नहीं है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई पर्टिकुलर आर्टिकल में ठीक है पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो नीति आयोग क्या है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी आपको याद रखना है और आ गया सी एंड एजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आप देख लीजिए आर्टिकल आर्टिकल हंड्रेड फोर्टी एट टू हंड्रेड फिफ्टी वन

थर्ड so स्टेटमेंट है नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी एंड सी एंड ए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपको आर्टिकल याद रखना है सी एस जी का जो फंक्शन है चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव को चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अगेन फोर स्टेटमेंट गिवेन रिफरेंस टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शाल बी मेड ओनली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये करेक्ट है रिफरेंस टू सी एंड ए जी साल बी मेड ओनली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये करेक्ट ये स्टेटमेंट करेक्ट है टू जनरल ऑफ इंडिया शाल बी मेड ओनली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्लियर ये भी करेक्ट है रिफरेंस टू अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया शाल बी मेड ओनली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट दर इज नो डिफरेंस दर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रेस नोट एंड प्रेस कम्युनिक ये गलत है प्रेस नोट अलग है प्रेस कम्युनिक अलग है प्रेस नोट क्या है जैसे हम एक एक डिपार्टमेंट एक नोट एक स्टेटमेंट देता है प्रेस को उसको रिलीज करने के लिए हम एक स्टेटमेंट देंगे प्रेस को प्रेस उसको रिलीज करेगा वो प्रेस नोट है प्रेस कॉमोनिक क्या है एक ब्रीफ नोट एक ब्रीफ स्टेटमेंट जब एक डिपार्टमेंट एक ब्रीफ नोट देता है जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सपोज इंटरनेशनल लेवल में जब लीडर्स के बीच में कोई समिट चल रहा है और समिट में जो कंक्लूजन निकला तो उसको हम प्रेस को दे देंगे रिलीज करने के लिए वो प्रेस कम्युनिक है मगर प्रेस नोट क्या है एक स्टेटमेंट होता है रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हम रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को दे देंगे प्रेस को प्रेस उसको रिलीज करेगा रिलीज टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन टू दब्लिक प्रेस कम्युनिक क्या है एक ब्रीफ स्टेटमेंट है जैसे मैं बताया रिलेटेड टू दब्रीफ स्टेटमेंट कोई भी, भी डिपार्टमेंट दे दिया प्रेस को प्रेस उसको रिलीज करेगा तो ऑफिस मेमोरेंडम कैन बी यूज एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विध यूपी नहीं ऑफिस मेमोरेंडम क्या है जो ऑफिस फंक्शन कर रहा है ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो स्मूथली मूव कर रहा है वो ऑफिस मेमो होता है जो ऑफिस मेमो में होता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ओके ऑफिस मेमो शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड ओके टू ऑपरेट द बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ओके बेसिकली इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो ये भी गलत है कोई ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम कैन बी यूज एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विथ यूपीसी रॉन्ग है तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर करेक्ट वन ऑप्शन फोर ऑप्शन गिवेन तो अगेन ऑप्शन वन इज द आंसर ऑप्शन वन इज द आंसर राइट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अगेन हम करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे टू स्टेटमेंट गिवेन क्लासिफाइड डार्क मींस डार्क बियरिंग सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सच ग्रेडिंग तो ये तो करेक्ट है जो क्लासिफाइड डार्क है उसमें मेंशन होता है कि ये सीक्रेट है कि ये कॉन्फिडेंशियल है सच टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज गिवन ये करेक्ट है

ये सब ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में है तो ये ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 है ये रूल्स इंप्लीमेंटेड इन 1961 तो तो बहुत आर करेक्ट वन फोर ऑप्शंस गिवन तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर राइट चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इन एवरी केस वे आर एन इंफ्रैक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग और रूल्स इट्स टू बी मेड सिबल टू एंश्योर दैट रीजन्सर रिकॉर्डेड इन राइटिंग जस्टिफाइंग सच ए डेविएस फ्रॉम द रूल्सि कुछ रूल्स प्रोसीज्योर्स में कुछ डेविएशन आ गया तो उसको रेकॉर्डेड रीजन रिकॉर्डेड किया जाएगा कि फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली दर इज समेवियन इन रूल्स और प्रोसीज्योर्स सो द ऑथेंटिक रीजन शुड बी रिकॉर्डेड कि इसी कारण के वजह से एक्चुअली Uh, जो रूल्स uh, है जो प्रोसीज्योर्स से उसको डेविएट कर दिया गया तो इसमें जो दिया है बी टू दैट ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो रीज़न्स को रिकॉर्ड करेगा ऑथेंटिक रीजन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड डिक्लेर दैट एक्चुअली ड्यू टू दीज रीजन एक्चुअली रूल्स और प्रोसीजियोर्स आर डेविएटेड तो ये होगा फोर ऑप्शन गिवेन डीलिंग हैंड नहीं है सेक्शन ऑफिसर नहीं है ऑफिसर इमीडिएटली सेक्शन ऑफिसर नहीं है डिसीजन डिसीजन मेकिंग मेकिंग अथॉरिटी अथॉरिटी जो एक्चुअली उनका है कि वो रीजन को रिकॉर्ड करेंगे ओके okay, और वो ऑथेंटिक रीजन देंगे कि इसी वजह से रूल्स और जो प्रोसीजर से उसको डेविड कर दिया गया राइट और जस्टिफिकेशन देंगे जो रिकॉर्डेड होगा मीन रीजन रिकॉर्डेड होगा वो जस्टिफिकेशन होगा तो यहां पर जो है

कैन बी मेड थ्रू लेटर ऑप्शन टू इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन को चलेंगे जो फोर ऑप्शन है उसमें क्या करेक्ट नहीं है एंडोर्समेंट शुड बी इंडिकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट यह करेक्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी इंडिकेटेड ऑन द टॉप राइट ये करेक्ट है और जेन्सी ग्रेडिंग शुड बी इंडिकेटेड ऑन टॉप लेफ्ट यह एक्चुअली करेक्ट नहीं है सिक्योरिटी ग्रेडिंग शुड बी इंडिकेटेड ऑन टॉप राइट तो इसको याद रख लीजिए एंडोर्समेंट शुड बी इंडिकेटेड ऑन द टॉप ऑन द बॉटम लेफ्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी इंडिकेटेड ऑन द टॉप राइट ये करेक्ट है ऑर्जेंसी ग्रेडिंग शुड बी इंडिकेटेड ऑन टॉप लेफ्ट ये गलत है सिक्योरिटी ग्रेडिंग शुड बी इंडिकेटेड ऑन टॉप राइट ये करेक्ट है तो इज नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन थ्री इज नॉट करेक्ट राइट चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी डियरनेस रिलीफ इज फोर ऑप्शंस गिवेन करेक्ट आंसर आपको देना है तो so ये चारों में सपोज आपको जॉब से रिमूव कर दिया गया कि डिसमिस कर दिया गया और बाद में सपोज आपको डिसाइड डिपार्टमेंट कि डिसाइड किया सबको तो नहीं मिलेगा मगर डिसाइड किया कि आपको

तो यहां पर फोर ऑप्शन गिवेन में टिक लगा दिया चारों जो एबीसीडी ऑप्शन से करेक्ट है तो जो ऑप्शन थ्री है वो करेक्ट है ओके okay? राइट right. चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे रिटायर ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम सर्विस विथ ए रिटायरिंग पर्सन इन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर द गवर्नमेंट सर्वेंट एज कंप्लीटेड ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ आप जानते हो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपका क्वालिफाइंग सर्विस थर्टी ईयर्स होने के बाद आपका क्वालिफाइंग सर्विस थर्टी ईयर्स के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में अपॉइंटिंग अथॉरिटी ओके आपको जॉब से वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे सकता है ठीक है आंसर मिल गया तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी में रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम सर्विस विद रिटायरिंग विदायरिंग पेंशन विद आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया जो रिटायरमेंट में आपको कौन सा पेंशन मिलेगा रिटायरिंग पेंशन मिलेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट में आपको आपका क्वालिफाइंग सर्विस थर्टी ईयर कंप्लीट होना चाहिए ठीक है तो आपको रिटायरिंग पेंशन मिलेगा तो इस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको थ्री मंथ्स नोटिस भेजता है ठीक है और आपको पब्लिक इंटरेस्ट में ओके वॉल्यूमटा रिटायरमेंट दे देता है और आपको रिटायरिंग पेंशन मिलेगा तो यहां पर जो ऑप्शन फोर है वो करेक्ट है राइट right?

एमुअलुमेंट से जब आपका रिटायरमेंट होता है जो आपका बेसिक पे है उसका उसका 50% होगा ओनली बेसिक पे जब पेंशन कैलकुलेट होता है वहां पर डियरनेस अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा ओनली बेसिक पे लिया जाता है समझ में आ गया जब आपको आपका सुपर अनुवेशन होता है तो आपका जो लास्ट बेसिक पे है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा तो यहां पर जो है दो तरीके से कैलकुलेट होता है एक 50% ऑफ बीपी और लास्ट टेन मंथ्स अवरेज एमोलूमेंट्स को दिया जाएगा लास्ट टेन मंथ्स अवरेज एमोलूमेंट्स जो जो फेवर होगा जो ज्यादा होगा उसी का फिफ्टी परसेंट लेंगे एक ऑप्शन तो है फिफ्टी परसेंट ऑफ बेसिक पे लास्ट बेसिक पे ओके और क्या है जो प्रीवियस टेन मंथ्स का एमोलूमेंट्स का एवरेज निकाल देंगे और उसका फिफ्टी परसेंट लेंगे जो बेनिफिशियल आपके लिए होगा उसको हम लेंगे ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ ओके लास्ट टेन मंथ्स ओके एवरेज एज एमोलुमेंट्स समझ में आ गया तो दोनों में जो बेनिफिशियल होगा आपको दिया जाएगा तो यहां पर ड्यूरिंग लास्ट टेन मंथ्स जो ऑप्शन थ्री है वो आंसर है क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा इन दिस कंट्री एवरेज एमोलेंट तो ऑफरेज एमोलमेंट्स तो तो दो ऑप्शन है तो दो ऑप्शन मीन जो सेकेंड ऑप्शन है आप लास्ट टेन मंथस का एमोलूमेंट ले जाएंगे उसका एवरेज निकाल देंगे डिवाइड बाय टेन करके देखेंगे ठीक है तो एवरेज एमोलूमेंट का हम फिफ्टी परसेंट लेंगे और एक है आपका लास्ट बेसिक बेसिक पे पे का लास्टिकसेंट जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा जो ज्यादा होगा उसको आपका पेंशन फिक्स किया जाएगा तो आंसर इज आपका ऑप्शन थ्री है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी एंटाइटल्ड टू कम्यूट फॉर ए payment of ऑफ pension पेंशन फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग जब आपका रिटायरमेंट होता है तो रूल है आप पेंशन से मैक्सिमम कितना परसेंट कम्यूट कर सकते हो आप पेंशन का मैक्सिमम कितना परसेंट बेच सकते हो जो आपको एक लॉन्ग सम अमाउंट मिलेगा तो आपका जो पेंशन फिक्स हुआ उसका मैक्सिमम फोर्टी परसेंट आप बेच सकते हो फोर्टी परसेंट आप कम्यूट कर सकते हो विद इन वन ईयर वन ईयर के अंदर वन ईयर क्रॉस हो जाएगा तो फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको याद रखना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है उसका रूल नाइनटीन एट्टी वन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नाइनटीन एट्टी वन समझ में आ रहा है तो मैक्सिम फोर्टी परसेंट ऑफ पेंशन को हम बेच सकते हैं और एक लॉम सम अमाउंट आपको मिलेगा तो यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन थ्री करेक्ट है और यहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं तो जब आपका रिटायरमेंट हुआ विद इन ईयर आपको डिसाइड करना है कि कितना पेंशन का कितना परसेंट कम्यूट करना है मैक्सिमम फोर्टी परसेंट होगा और वन ईयर क्रॉस हो गया उसके बाद फिर आपका आपको आपका मेडिकल होगा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए पेंशन इन रिसिप्ट पेंशन ये पेंशन फिक्स है सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फोर कैन ऑफर फॉर कम्यूटेशन मैक्सिमम पूछा है तो आप निकल दो यहां पर मैं अभी बताया था जे जो कम्यूटेशन होगा आप जो पेंशन फिक्स हुआ फिक्सिम फोर्टी परसेंट आप देख सकते हो तो फोर्टी परसेंट आप रुपीज सिक्सेंड टू हंड्रेड फोर्टी फोर मगर यहाँ पर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट को आप इग्नोर करोगे तो जैसे पॉइंट फाइव जीरो को आप वन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो यहाँ पर फोर्टी परसेंट आप कैलकुलेट करके देख लो फोर्टी परसेंट ये हो जाता है बेसिकली आपका ये हो जाएगा सिक्स फोर नाइन सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव हो जाता है मैं बताया जो भी डेसिमल में आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे तो कितना मैक्सिमम कम्यूटेशन में लॉमसम अमाउंट कितना मिलेगा सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी सेवन समझ में आ रहा है तो पॉइंट फाइव को आप इग्नोर करोगे कभी कभी क्या होता है ना सिक्स फोर नाइन नाइन एट हम कर देते हैं तो यहां पर जो डेसिमल है उसको हम इग्नोर करेंगे तो वही आंसर होगा समझ में आ गया ऑप्शन इज थ्री करेक्ट वन चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस मंथली कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई वुड बी टेन परसेंट ऑफ हिज बेसिक पे हम करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे अंडरलाइन कर दिया टेन परसेंट ऑफ इच बेसिक पे नो बेसिक पे प्लस डीए होना चाहिए जो बेसिक पे प्लस डीए होगा उसका टेन परसेंट जो कंसर्न एम्प्लॉई है उसका salary से होगा। होगा, हमारा जो contribution, जो employee का वो ठीक है तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत हो गया कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी फोर्टीन परसेंट ऑफ बेसिक पे बेसिक पे प्लस डीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा जो मैनेजमेंट शेयर होगा होगा वो भी बेसिक पे प्लस डीए डीए मगर यहां पर मिसिंग है तो ये भी गलत हो गया द कंट्रीब्यूशन शुड बी डिपोजिट इन टायर वन अकाउंट टायर वन अकाउंट करेक्ट है टायर वन अकाउंट में जमा होगा टायर टू अकाउंट आपका पर्सनल है टायर टू अकाउंट में आप पर्सनली जमा कर सकते हो और जब टायर वन अकाउंट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली टायर टू अकाउंट बंद हो जाएगा तो आपका जो ये जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट शेयर का कंट्रीब्यूशन और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो टायर वन अकाउंट में जमा होता है तो ये करेक्ट है तो यहां पर फोर ऑप्शन है तो यहां पर जो स्टेटमेंट सी है करेक्ट है तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट वन ऑप्शन ऑप्शन टू ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर राइट चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट द कंटेस्ट ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस इज वॉल्यूंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथरिटी तो करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर एनपीएस ले सर्विस इज नॉट रिलेवेंट एनपीएस ओल्ड पेंशन में क्वालिफाइंग सर्विस है जैसे एवरी हाफ इवरी सिक्स मंथस तो हमारा क्वालिफाइंग सर्विस हम डिटेक्ट करते हैं नहीं कि जो ओल्ड पेंशन था सीसीएस पेंशन रूल्स अभी 2021 ओल्ड पेंशन में क्वालिफाइंग सर्विस था मगर जो नेशनल पेंशन सिस्टम में जो लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस उसका जरूरत नहीं है और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो ओल्ड पेंशन है वहां पर हम क्वालिफाइंग सर्विस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ना हाफ ईयरली ओके okay, जैसे सपोज uh, uh, आप वहां पर जैसे कैलकुलेट करोगे सपोज आपका थ्री मंथ से ज्यादा है थ्री मंथ्स प्लस है तो वो भी एक हाफ ईयर में जो हाफ एक क्वालिफाइंग सर्विस जो हाफ क्वालिफाइंग सर्विस है वो इंक्लूड होगा ठीक है तो वहां पर ओल्ड पेंशन केस में हाफ ईयरली क्वालिफाइंग सर्विस है मगर यहां पर कोई क्वालिफाइंग सर्विस का लेंथ को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा तो ये जो स्टेटमेंट है फॉर एनपीएस लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज नॉट रिलेवेंट ये भी करेक्ट है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा करेक्ट है, है स्टेटमेंट

जनवरी टू थाउजेंड फोर तो उनके लिए तो ओल्ड पेंशन होगा यहां पर दे दिया एनपीएस फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज हो गया ना ऑल कैसे होगा जो ज्वाइन करेंगे बेसिकली न्यूली मीन ज्वाइंट ऑन फास्ट जनवरी टू थाउजेंड फोर एंड बेऑन दैट तो उनके लिए मैंडेटरी होगा तो ये मेरे लिए गलत है ये आंसर करेक्ट दिया है वहां पर कि किया है तो मगर ये गलत है स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड वो इंप्लीमेंटेड किया है नहीं है। अभी West Bengal government वो नहीं अभी देखिए वो किया है तो ऐसा कुछ ये नहीं है तो यहां पर स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है, है तो ऑप्शन है आप देख लीजिए तो बेसिकली जो ऑप्शन ऑप्शन समझ में आ गया इशूड टू सब्सक्राइबर पर भी केवीएस का जो आंसर की है ये भी रॉन्ग है क्योंकि मैं बता देता हूं इशूड जो होता है बेसिकली सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का पी एफ ने पी एफ आर डी ए ने क्रा को दिया है कि वो प्राण को इशू करेगा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू करेगा ठीक है तो अभी हमारा क्रान जो क्रा है वो प्रोटियन ई भी टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो अभी क्रा है वो है प्रोटियन ई जीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ओके टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये है तो ये रे, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सभी रिकॉर्ड ये मेंटेन करेगा तो पी एफ आर डी ए पावर टू क्रा टू इशू प्रानी सब्सक्राइबर मगर यहां पर तो क्रा नहीं दिया है तो क्रा इज वर्किंगली होगा ऑप्शन वन होगा मगर आंसर हेड ऑफ ऑफिस है of आपको इंटीमेट करेगा हेड ऑफ ऑफिस इशू नहीं करेगा तो एस के आंसर में ऑप्शन थ्री करेक्ट है ये ये गलत है क्योंकि हेड ऑफ ऑफिस इंटीमेट करेगा सब्सक्राइबर को मगर एक्चुअली इशू करेगा क्रा तो क्रा किसके अंडर में काम कर रहा है पी एफ आर डी ए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो वही करेक्ट होगा ओके आंसर ऑप्शन राइट चलो क्वेश्चन नंबर अन क्वेश्चनोई डाइज आफ्टर पुटिंग इन फोर इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस डेथ ग्रेचुअटी मिलेगा जब आप जॉब में हो आपका डेथ हो गया आपको डेथ ग्रेचुअटी मिलेगा यहां पर बता देता हूं सपोज लेस देन वन ईयर आपको टू टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट्स यहां पर याद रखिए ग्रेचुएटी में जो एमोलूमेंट होगा वो बेसिक पे प्लस डीए होगा मगर पेंशन में मैं बताया ओनली जो एमोलूमेंट होगा वो ओनली बेसिक पे नहीं कि बेसिक पे का जो लास्ट बेसिक पे है उसका फिफ्टी परसेंट है यहां पर जो ग्रेचुएटी का जो एमोलूमेंट हम कैलकुलेट करेंगे वो बेसिक पे प्लस डीए है तो लेस देन वन ईयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट लेस देन वन ईयर काम किया है उसका डेथ हो गया तो टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट्स उसको मिलेगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है वन ईयर बट लेस देन यहां पर देखिए वन ईयर बट लेस देन फाइव इयर्स तो यहां पर आपको सिक्स टाइम्स एमोलूमेंट्स आपको डेथ ग्रेचुअटी मिलेगा जो ई लिख दिया एमोलूमेंट्स एमोलूमेंट्स अभी बताया बेसिक पे प्लस डी तो आपका जॉब जो है वन ईयर बट लेस देन फाइव इन सिक्स टाइम्स एमोलेंट्स तो यहां पर दिया है वो जॉब फोर है, उसका क्वालिफाइंग सर्विस फोर ईयर है उसका डेथ हो गया तो डेथ ग्रेजुएट कितना मिलेगा सिक्स टाइम्स ऑफ और थोड़ा भी आंसर आंसर ऑप्शन फोर है आप, आंसर ऑप्शन फोर है और थोड़ा मैं क्लरिफाई कर देता हूं नेक्स्ट वन जैसे आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो फाइव इयर्स बट लेस दैन इलेवेन ईयर्स ठीक है तो यहां पर जो आपका डेथ ग्रेचुटी मिलेगा ट्वेल्व टाइम्स ऑफ एमोलूमेंट मिलेगा क्लियर नेक्स्ट वन जब आपका जॉब जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो इलेवन ईयर्स बट लेस दैन ट्वेंटी ईयर्स तब आपको ट्वेंटी टाइम्स एमोलूमेंट मिलेगा ठीक है ट्वेंटी टाइम्स एमोलमेंट्स मिलेगा और जब आपका क्वालिफाइंग सर्विस ट्वेंटी ईयर्स जब आपका क्वालिफाइंग सर्विस ट्वेंटी ईयर्स एंड ग्रेटर देन ट्वेंटी ईयर्स हो जाता है तो आपका डेथ हो जाता है तो इस केस में एवरी हाफ ईयर में आपको हाफ एमोलमेंट मिलेगा यहां पर लिख देता हूं एवरी एवरी हाफ ईयर में आपको हाफ ऑफ द एमोलमेंट्स मिलेगा सपोज जैसे आप ट्वेंटी फाइव 25 फाइव 25 आप काम किया है तो आपको आपका डेथ होता है तो एवरी हाफ ईयर में आपको हाफ ऑफ द एमोलेंट्स मिलेगा तो वन ईयर टू हाफ इयर्स होता है तो ट्वेंटी फाइव में कितना एमोलमेंट मिलेगा ट्वेंटी फाइव टाइम्स तो मैक्सिमम आपको याद रखना थर्टी थ्री टाइम्स एमोलमेंट मिलेगा इस केस में ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव टाइम से एमोलोमेंट्स मिलेगा सपोज आपका ट्वेंटी सिक्स ईयर काम किया आपका डेथ होता है तो आपका क्वालिफाइंग सर्विस ट्वेंटी है तो ट्वेंटी मिलेगा और मैक्सिमम कितना होगा थर्टी थ्री एमोलोमेंट्स मैक्सिमम कितना होगा थर्टी थ्री एमोलोमेंट्स आपको मिलेगा उससे ज्यादा नहीं और यहां पर जो मोर देन ट्वेंटी ईयर्स ओके मोर देन ट्वेंटी ईयर्स आपका क्वालिफाइंग सर्विस है तो आपका जो कैलकुलेटर है एवरी हाफ ईयर में आपको हाफ ऑफ द एमोलोमेंट्स मिलेगा इसे कैलकुलेट होगा और मैक्सिमम थर्टी थ्री एमोलेंट तो एवरी आपको फुल एमोलेंट मिलेगा नहीं तो मैक्सिमम थर्टी थ्री आंसर आपको मिल गया चलो 49. तो जो एनपीएस होता है वो बेसिकली बेसिक एमोलेंट होता है बेसिक पे प्लस डियर ना तो एम्प्लॉय का टेन परसेंट और गवर्नमेंट का फोर्टीन परसेंट तो ऑप्शन वन इज करेक्ट वन डायरेक्ट आंसर है बहुत इजी है चलो लास्ट क्वेश्चन आज का सेकेंड पार्ट का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स मॉडल कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर जेम इनिशिएटिव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इनिशियटिव फोर ऑप्शन गिवेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज बाय द बायर टू परचेज गुड्स ये करेक्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज बायर टू परचेज गुड्स ठीक है नेक्स्ट वन करेक्ट स्टेटमेंट आपको डिटेक्ट करना है द द द द सेलर सेलर रिक्वायर्ड ये गलत है टेक्स बैक गुड्स आफ्टर यूजफुल लाइफ ठीक है ये भी गलत है द बायर आर कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर वारंटी पीरियड तो वारंटी पीरियड में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बेसिकली जो सेलर होता है उसका होता है मगर वारंटी पीरियड के बाद बायर एक्चुअली वो अरेंज करेगा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तो ये करेक्ट है तो यहां पर जो ऑप्शन होगा ए एंड डी होगा ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा ठीक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड बाय द बायर टू परचेज गुड्स अनदर वन द बायर अरेजेस कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर वारंटी पीरियड तो कॉमन चीज है द सेलर प्रोवाइड्स द कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड ये गलत है द सेलर टेक्स बैक द गुड्स आफ्टर यूजेबल लाइफ जो सपोज उसका जो लाइफ टाइम है इसका मीनिंग क्या है जब लाइफ टाइम है उसका जो कमोडिटी का खत्म हो गया तो वो सेलर उसको रिटर्न ले जाएगा ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है ठीक है तो ये फिफ्टी क्वेश्चन था ए सर ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन था अभी मैं फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया फिर मेरा थर्ड पार्ट आएगा जो क्वेश्चन आई डी टू हंड्रेड ठीक है आप वेट कीजिए सो प्लीज माई फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल Uh, and uh, in my explanation if anything wrong one please forgive me always uh, i am trying my best to fulfill your needs always i try to reach your expectation thank you and namaskar to all of you